नमस्कार मित्रों, जय सियारा। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे श्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा की। मित्रों, कल मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, शायद आज तक, तो उसमें एग्जिट पोल के हिसाब से ये बता रहे थे कि इस बार हरियाणा में बीजेपी की कुछ सीट्स कम रह जाएंगी और सरकार नहीं बन पाएगी बीजेपी की अकेले दम पर। तो मेरे मन में ये प्रश्न हुआ, ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्यों ना मनोहर लाल खट्टर जी की कुंडली का अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। तो मैंने नेट में सर्च किया, उसके हिसाब से 5 मई 1954 को 12 PM पे रोहतक में उनका जन्म हुआ। श्री मनोहर लाल खट्टर एक साधारण किसान के यहाँ जन्मे और जीवन उनका संघर्षों में बीता। अविवाहित रहे, 2014 में संघर्ष करते हुए हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने। मित्र खट्टर जी की जो जन्म कुंडली बनी वह कर्क लग्न की है। लग्नेश चंद्रमा उच्च का होकर एकादश भाव में शुक्र के साथ, शुक्र चतुर्थेश है और एकादशेश है, ये एक बहुत सुंदर युति है। चतुर्थ भाव में उच्च का शनि, हालांकि वक्री है। छठे भाव में राहु मंगल की युति, दशम भाव में सूर्य और बुध की युति, सूर्य उच्च के होके बैठे हैं दशम भाव में। 11वें भाव में चंद्रमा शुक्र की युति और 12वें भाव में गुरु और केतु की युति। लग्न 20 डिग्री की है आश्लेषा नक्षत्र की, सूर्य 21 डिग्री भरणी नक्षत्र में, चंद्रमा 24 डिग्री मृक्षिणा नक्षत्र में, मंगल 13 डिग्री पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, बुध 16 डिग्री भरणी नक्षत्र में है, गुरु लगभग 3 डिग्री मृक्षिणा नक्षत्र में, शुक्र 14 डिग्री के होकर बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र में, शनि रेट्रोगेट हैं 12 डिग्री के स्वाति नक्षत्र में, और राहु और केतु ये दोनों 24 डिग्री के हैं। मित्रों, वर्तमान में बुध की दशा चल रही है खट्टर जी की। खट्टर जी की दशा चल रही है बुध की, जो कि 20 जुलाई 2013 से शुरू हुई थी और 20 जुलाई 2030 तक रहेगी। अब यहाँ देखिए कि 2013 से बुध की दशा शुरू हुई थी और 2014 में खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 14 अक्टूबर को शुक्र की अंतरदशा, जो कि एक अच्छी अंतरदशा थी, समाप्त हुई और वर्तमान में बुध की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चलायमान है। बुध और सूर्य दोनों ही दशम भाव में हैं, सूर्य उच्च के होकर दशम भाव में बैठे हैं और ये दोनों ही ग्रह सूर्य और बुध भरणी नक्षत्र में हैं। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भरणी का स्वामी शुक्र एकादश भाव में लग्नेश चंद्रमा के साथ बैठा है स्वराशि में। मित्रों, ये एक बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है। चंद्रमा लग्नेश है, लग्नेश और एकादशेश, और ये एकादशेश चतुर्थेश भी है, तो इनकी युति एकादश भाव में होना खट्टर जी के लिए बहुत शुभ है। तो इस तरह दशा अंतरदशा खट्टर जी के लिए अनुकूल है, इन्हें अभी राज सत्ता का सुख भोगना चाहिए। अब एक दृष्टि गोचर पर डालें तो अभी बुध तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में है, लेकिन ये बुध अभी थोड़ी ही देर के बाद रात्रि 12 बजे के आसपास राशि परिवर्तन कर लेगा। नक्षत्र विशाखा ही रहेगा, बुध राशि परिवर्तन करके जाएंगे वृश्चिक राशि में, यानी कल जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें बुध जो कि अभी तुला राशि में है कल होंगे वृश्चिक राशि में। सूर्य इस समय तुला में गोचर कर रहे हैं चित्रा नक्षत्र में। इस तरह बुध और सूर्य दोनों के नक्षत्र पतियों की स्थिति भी खट्टर साहब के लिए अनुकूल है। तो मित्रों, मुझे अपनी कैलकुलेशन के आधार पर पूरा विश्वास है कि खट्टर साहब को अभी हरियाणा का मुख्यमंत्री बने रहना होगा। हालांकि इस विषय में बीजेपी की कुंडली और श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली भी प्रभावशाली होंगी। खट्टर जी की कुंडली में मैंने एक विशेष बात देखी,
और मुझे लगी कि इसका जिक्र होना चाहिए। हालांकि ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये चुनाव के दृष्टिकोण को लेकर बनाया है, बड़ा संक्षिप्त अध्ययन मैंने किया है। कभी विस्तृत रूप से अध्ययन करके खट्टर जी के विषय में और कुछ बताने का प्रयास करूंगा। तो वो विशेष बात जो मुझे इनकी कुंडली में लगी वो ये कि भले ही खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं, वेशभूषा भले ही इनकी एक सन्यासी की न हो, लेकिन इनका स्वभाव एक साधु सन्यासी वाला ही है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बारहवें भाव में गुरु केतु की युति, शनि चतुर्थ भाव में, और ये तीनों ही ग्रह मोक्ष त्रिकोण में हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक धार्मिक होता है। तो मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।